सुजानगढ़ की श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर स्कूल व राम गोपाल गढ़ोदिया स्कूल के विद्यार्थियों ने जूडो में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिस पर खिलाड़ियों का सुजानगढ़ आगमन पर शानदार जुलूस निकालकर और माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। शास्त्री स्कूल के प्राचार्य पवन पारिक ने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में धनबाद झारखंड में जाकर खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें गोपाल कृष्ण शास्त्री स्कूल के अर्जुन शांखला, प्रिया खेरिया, अदिति बागड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार राम गोपाल गढ़ोदिया स्कूल के गोविंद राम जानी ने गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार शास्त्री स्कूल से 2 रजत पदक, कांस्य पदक 4 जीते गए हैं। कृष्ण शांखला के मार्गदर्शन में कोच सुभाष नाई, तपेश पाटी के सानिध्य में खिलाड़ियों ने यह उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महावीर प्रसाद शांखला, बबलू बजरंगी, विक्की परावा, अजीत स्वामी, श्याम लाल नाई, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसुण, पार्षद शर्मिला सोनी आदि ने विजेता खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। उसके बाद डीजे पर जुलूस बस स्टैंड से शास्त्री प्याऊ से लोहारा गाड़ा व 1 नंबर रेलवे फाटक होकर शास्त्री स्कूल पहुंचकर विसर्जित हुआ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता धनबाद झारखंड में संपन्न हुई, जिसमें सुजानगढ़ श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक के साथ 9 पदक प्राप्त किए। ऐसे ही राम गोपाल गढ़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर के 1 भैया ने गोल्ड प्राप्त किया इस पर, और कुल उनको पदक जो मिले, कुल मिलाकर सुजानगढ़ को 4 गोल्ड मिले हैं। वे चारों विद्यार्थी SGFI के लिए जब भी फाइट होगी अखिल भारतीय स्तर की, उसमें भाग लेंगे। ये सुजानगढ़ का गौरव है कि पहली बार आदर्श विद्या मंदिर के भैयाओं ने 4 गोल्ड जीतकर परचम लहराया है। अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण समाज के चुनाव में बद्री नारायण पतालिया के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 666 वोटों से हराकर विजेता रहने पर सुजानगढ़ बागड़ा समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस उपलक्ष्य में देर रात को बागड़ावास में सुजानगढ़ बागड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्रवण बागड़ा, ओम बागड़ा, हेम शंकर बागड़ा, प्रेम बागड़ा, गौतम बागड़ा, पार्षद मनोज पारी, मनोज बागड़ा, पवन शर्मा आदि लोगों ने बागड़ावास में आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही दूरभाष पर बात करके बद्री नारायण पतालिया को जीत की बधाइयां भी दी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण जी बागड़ा को पुनः बागड़ा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पूरी बागड़ा समाज सुजानगढ़ इकाई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। बद्री नारायण जी बागड़ा ने सामाजिक कुरीतियों को दरकिनार करते हुए समाज में एक नवीन चेतना का उजागर किया है। उन्होंने दहेज बंदी, टीना शर्मा सहायता कोष, काफ़ी अनेक कार्य किए हैं, जिनकी वजह से समाज का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ाया, नाम बढ़ाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण जी एक बेहद ही ऊर्जावान अध्यक्ष हैं और वो हर प्रकार से समाज में तत्पर रहते हैं सहायता करने के लिए। सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने सहित कुल 6 मांगों को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा उपखंड कार्यालय के सामने दिया जा रहा धरना लगातार 266 दिनों से जारी है। धरने पर अनेक लोगों ने शिरकत करते हुए नारेबाजी कर सुजानगढ़ को इसी बजट में जिला घोषित करने की मांग की। इस अवसर पर किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गुजारा, पूनमचंद मेघवाल, मुमताज काजी, यूसुफ दैया, सत्यनारायण माड़ी, एडवोकेट गंगाधर मोड, शिव भगवान अठवाल, पूर्व पार्षद मोहन लाल मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने निरंतर 266 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के, सुजानगढ़ विदासर क्षेत्र को सिंचाई के लिए नहर से जोड़ने को लेकर के, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर के, राजस्थान के अंदर जो बैल और बछड़ों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है वो प्रतिबंध हटाने को लेकर के, किसानों को जो बीमा क्लेम है वह समय पे दिया जाए उसको लेकर के, और राजस्थान में बिजली बिलों के अंदर जो स्थाई शुल्क के नाम पे राजस्थान सरकार ने जो लूटपाट मचा रखी है वो बंद करने को लेकर के, 6 मांगों को लेकर के पिछले 266 दिनों से यहाँ लगातार धरना जारी है। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गनोड़ा में कुंड में डूब जाने से वृद्ध की मृत्यु हो जाने का मामला सामने आया। पुलिस को मृतक के भाई सोहन राम मेघवाल निवासी गांव गनोड़ा ने रिपोर्ट देकर बताया है कि मेरा भाई आसलाना जोहड़ा में बनी पानी की कुंड में से पानी लाने के लिए गया था। चूंकि कुंड भरी हुई थी इसलिए बाल्टी या रस्सी नहीं थी। झुक कर मेरे भाई लालाराम मेघवाल उम्र 61 साल ने पानी निकालने का प्रयास किया तो वह कुंड में गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को निकलवाकर राज के बगड़िया अस्पताल पहुंचाया जहां पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति जोड़े के अंदर बनी पानी के कुंड में डूबकर खत्म हो गया। तब पहुंचे ग्रामीण जनों की सहायता से, परिवार जनों की सहायता से बॉडी को बाहर निकाला। उसके मृतक का नाम है लालाराम स्नोप डालूराम मेघवाल उम्र 61 साल। उसके भाई ने रिपोर्ट दी है, बड़े भाई ने सोन राम ने, कि भी मेरा खेत उस जोड़े के दिघनादी तरफ चिपता ही है, खेत में काम करता था और वहाँ से पानी लेने के लिए इस कुंड में आया था। पानी कुंड भरी हुई है, वहाँ पर कोई डोलिया वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो वो झुककर पानी लेने लगा तो अंदर गिर गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। लाश का पोस्टमार्टम करवा दिया, लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी